Hello to everyone. This is Geography of Class 8, Chapter Number 1, Resources. First paragraph mein conversation hai between three people, Mona, Raju and Amma. Mona and Raju Amma ki help karte hai ghar ki saaf safai karne mein. Jaise ghar ki saaf safai karte hai, toh hum bhi kuch cheeze observe karte hai like clothes, utensils, food grains, combs, bottle of honey, books. Aise bachchon ne bhi observe kiye. उसमें से मोना कहती है कि इन सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ यूज़ है, दैट्स वाई ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा अम्मा कहती है. दीज आर रिसोर्सेज, फिर अम्मा कहती है ये रिसोर्सेज है. रिसोर्सेज, व्हाट इज़ अ रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है? राजू ये क्वेश्चन करता है अम्मा से कि रिसोर्स रिसोर्स होता क्या है. अम्मा आंसर देती है, एनीथिंग डेट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स. कोई भी ऐसी चीज़ जो नीड को सेटिस्फाई करती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. आप भी जब अपने आसपास देखेंगे तो आपको भी बहुत सारी रिसोर्सेज मिलेंगी. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग अराउंड यू इज़ अ रिसोर्स. क्यों? क्योंकि आपको उन चीज़ों की नीड है, आपकी नीड को सेटिस्फाई करते हैं वो चीज़ें, इसलिए वह रिसोर्स है. इसलिए सारी चीज़ें रिसोर्सेज है. जैसे आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, प्यास लगना इज योर नीड, प्यास बुझाना, पानी ने प्यास बुझाई और ये आपका रिसोर्स हो गया, पानी आपके रिसोर्स. ओके, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. इन सभी चीज़ों के पास एक चीज़ कॉमन है. वो एक चीज़ कॉमन क्या है? वो एक चीज़ कॉमन है, यूटिलिटी. ये सारी चीज़ें आपके द्वारा यूज़ करी जाती. यूटिलिटी मीन्स यूज़. कोई चीज़ यूज़ करी जाती है तभी वह रिसोर्स बनती है. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, राजू नाउ वॉन्टेड टू नो. अब राजू जानना चाहता है कि कोई भी चीज़ कैसे रिसोर्स बन जाती है. अम्मा फिर आंसर देती है, उसके यूजेस और यूटिलिटी उसे एक वैल्यू देते हैं. हर एक रिसोर्स की कुछ वैल्यू होती है. जिस रिसोर्स के पास वैल्यू आ गई, या यूँ कहे कि जिस सब्सटेंस के पास वैल्यू आ गई उसे रिसोर्स बना देंगे. वैल्यू मीन्स वर्थ, कीमत. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. कुछ रिसोर्सेज के इकोनॉमिक वैल्यू होती है. इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स मनी रिलेटेड. जैसे यहाँ एग्जांपल बहुत अच्छा दे रखा है मेटल्स का और लैंडस्केप का. मेटल्स मीन्स धातु, लाइक आयरन एंड कॉपर. मेटल्स के लिए इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन लैंडस्केप के लिए इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. लैंडस्केप ब्यूटीफुल सीनरी लाइक माउंटेन विद सन, क्लाउड्स, बर्ड्स, ओके. लेकिन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. कुछ रिसोर्सेज टाइम के साथ साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो सकते हैं. आज नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हो सकते हैं. लेट सपोज कि हमें यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज. दादी नानी के नुस्खे होते हैं, उन्हीं को यहाँ कह रखा है. लेकिन वो कब होंगे अवेलेबल? व्हेन दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म. जब पेटेंटेड कर लिए जाएंगे और मेडिकल फर्म के थ्रू सोल्ड कर दिए जाएंगे तो वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएंगे. पैटेंट, पैटेंट का मतलब क्या होता है? कॉपीराइट. सिंपल शब्दों में पैटेंट का मतलब कॉपीराइट. कोई चीज़ मेरी है तो मेरी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ये मेरा टॉय है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसी की तरीके से पैटेंट भी काम करता है, कॉपीराइट. ओके, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स डेट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज. टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं. बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल. पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. लोग खुद भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं. It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that led to the creation of more resources. ये उनका idea ही होता है, knowledge ही होती है, invention ही होती है जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा resources आ सकती है. एक discovery होती है, उसके बाद अनेकों discovery होती है. Like पहले fire discover हुई, then cooking, इसी की तरीके से बढ़ते रहता है. Invention of wheel, आज हम देखते हैं हर किसी transport में wheel है. The technology to create hydroelectricity, this is one of the most important. Like कि पानी बह रहा था तो बह रहा था, उसका कोई यूज़ नहीं था, लेकिन अब हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी बनाई. फ्लोइंग वाटर से अब हम एनर्जी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं.
ओके क्लियर. रिसोर्सेज क्या होता है? नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज के कितने टाइप्स होते हैं? थ्री टाइप्स है मेनली, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी होंगी? जिन रिसोर्सेज को डायरेक्ट हम नेचर से ले रहे हैं, उनमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे. जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, सांस लेने के लिए जो हम हवा लेते हैं, वी इनहेल एंड एक्सहेल. ओके नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरीज में वेरीफाई करते हैं, ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज हैं जिनको कि हम रिन्यू कर सकते हैं, रेप्लेनिश कर सकते हैं क्विकली. अनलिमिटेड होती हैं ये हमारे पास रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती है लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी. लेकिन फिर भी अगर आप किसी रिसोर्स का ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो अफेक्ट हो सकती है लाइक वाटर. ओके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये वो रिसोर्सेज हैं जो का लिमिटेड स्टॉक है. स्टॉक स्टॉक मीन्स, नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, स्टॉक का मतलब अमाउंट वी कैन यूज, द अमाउंट वी कैन यूज फॉर आवर यूजफुलनेस. ओके वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रेन्यूड और रिप्लेनिश्ड. एक बार स्टॉक अगर गायब हो गया तो उसे दोबारा लाने में बहुत हज़ारों साल लगेंगे. अब जैसे आपको पता है कि ह्यूमन लाइफ स्पैन मेनली 70 to 80 ईयर्स और मोस्ट प्रोबेबली 100 to 120 ईयर्स, इससे ज़्यादा नहीं होती. लेकिन इन रिसोर्सेज को बनने में बहुत टाइम लगता है, डेट्स वाई इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इनके एग्जाम्पल हैं. ये नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड करते हैं फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड पे. ये तीन जो फैक्टर्स हैं वो अनइक्वल है ऑल ओवर द अर्थ, इसीलिए रिसोर्सेज का जो अमाउंट है वो भी अलग अलग है. ओके ह्यूमन मेड रिसोर्स, वो रिसोर्सेज जिनको ह्यूमन बना रहा है, हम ये वो रिसोर्सेज है तो नेचुरल सब्सटेंसेस, लेकिन उन्हें रिसोर्स बनाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ा. जैसे कि आयरन ओर, जब तक था तब तक हम उससे कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करा और अब हम उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है. सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. हमारी तरह ही लोग नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं ताकि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बन सके. मोना ने सर हिलाते हुए कहा यस, और राजू ने कहा यस. ओके आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा. ह्यूमन रिसोर्सेज, आप पहले ये डायग्राम देखेंगे. क्रॉप्स रुइंड ड्यू टू ड्राफ्ट, कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन. क्रॉप्स सड़ गई हैं, खराब हो गई हैं, सूखा पड़ने के कारण, बारिश नहीं हुई तो इसलिए खराब हो गई. तो ये माइंड में साइंटिस्ट सोचता है, ये लैब में बैठे हुए साइंटिस्ट हैं जो सोच रहे हैं. इन साइंटिस्ट को हम मेनली बोलेंगे एग्री साइंटिस्ट. ओके डैट इज, अब इनको वो आइडिया आ गया कि कैसे ये सॉल्व कर सकते. फिर इन्होंने वो आइडिया आस पास के फार्मर्स से डिस्कस किया. देन ये कहते हैं, कहती हैं कि इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सॉल्यूशन. इसका सारा श्रेय जो है वो नॉलेज को, एजुकेशन को और स्किल को जाता है कि हमें आज एक सॉल्यूशन मिला. तो अब आपको ये जो येलो बॉक्स है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है. ह्यूमंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हम सभी लोग एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं. फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन, फार्मर्स सबको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं. साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन. फार्म प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए एग्री साइंटिस्ट नए नए मेथड्स बताते हैं. ओके तो हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं. यहाँ मेनली जो दो ग्रुप पीपल के बताए हैं, एक एग्री साइंटिस्ट और दूसरा फार्मर. आप देख सकते हैं कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. ओके नाउ ये लाइन पढ़ेंगे. पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो. डैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स. ओके टेक्नोलॉजी को यूज करके, नॉलेज और स्किल को यूज कर हम स्पेशल रिसोर्सेज बना सकते हैं. इसीलिए हम खुद भी एक स्पेशल रिसोर्स हैं. पीपल खुद भी एक ह्यूमन रिसोर्स है. हमने तीन
कैटेगरीज में बांटा था, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, उसमें ये जो थर्ड कैटेगरी है ह्यूमन रिसोर्सेज, ये हम ही हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ, हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ मदद करती है लोगों को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में, बनने में। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो डैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स को यूज़ कर क्वालिटी, पीपल की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर हम और ज़्यादा अच्छी रिसोर्सेज बना सकते हैं। इसी को हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कंजर्विंग रिसोर्सेज। ओके।